जी के बारे में आप ये खुद ही बताएंगे, ये कौन सिम है? हितू सिम है। हाँ, तो हितू सिम से हूँ, तो ये बदला अपने बारे में जी के बारे में आप ये खुद ही बताएंगे, ये कौन से मंच है और कौन से सोसाइटी है? नमस्ते, आप सभी तो नमस्कार। और मनीला ट्विन ब्रदर से मैं यार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हम लोगों के बीच में एक है। हम सब तो जो प्रोत्साहित करना रही हमार जो बात पूर्व सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना रही। मेरा नाम दयाल सिंह नेगी चु, मैं भूमिहाल विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। दगड़मी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ मयूर विहार जिला को जिला संयोजक भी छू। तो आज हम यूँ तक जो मुलाकात हुई हम बद्रीनाथ मंदिर पार्क में, अभी तक हम देव भूमि रामलीला कमेटी के जो भूमि पूजन छ 15 अक्टूबर पर रामलीला हुई, जो हम देव भूमि धार्मिक समिति जो रामलीला समिति वो एक हम मतलब फाउंडर मेम्बर्स वगैरह छी। और अभी तक हमारे ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल बच्चों द्वारा जो कृष्ण जन्माष्टमी प्रोग्राम एक हम होनु कि वो प्रोग्राम कृष्ण जन्माष्टमी होनु तो वे बात दिल्ली में जो हम धारा 144 लग गए जय हमल सम्मानकार उन तो धारा 144 ऑन ईयर लगी जाए लेकिन फिर भी हमल सम्मानकार है। और उसका बाद हमल सब प्रोग्राम अपन स्थगित करके आज हमल जो यो 17 तारीख अब जब हमार G20 सम्मेलन ठीक ढंग से निपट गया चाहिए उसका बाद आज ये प्रोग्राम होनु तो वे खुण हम सब एकत्रित हुए छी। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, बहुत समय कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपको। धन्यवाद। आज हम विनोदनगर जा रहे तो ये रामलीला शूट को तो आज बहुत खुशी बात है, हम एक दीदी मिल गए जो हमें गांव के था सिम है, हितू सिम है। हाँ, तो हितू सिम से हूँ, तो ये बतला अपने बारे में तो बहुत बहुत खुशी बात है। अब हमारे मतलब मैं हितू सिम था, मैं हितू चेल छू, मेरा नाम उमा देवी था और मेरा बैजू नाम कुंदन सिंह था, बैजू मेरे पे ये छ और क्या बोलते पर और सब ठीक ठाक। और रामलीला तुम ये प्रोग्राम देखो ना, अच्छा तो रोज आना प्रोग्राम देखें, ये रामलीला गल ये तो काम भरे का अच्छा। तुम अब नानू के लिए? हाँ है नानू के लिए चली भी है कि भाई मेरा भी चल सो। हाँ हाँ देखनी सब देखनी, ब्लॉग देखो ना रवि नेगी। रवि रवि नेगी मान ब्लॉग देखते तुम? हाँ रवि नेगी मान ब्लॉग रोज देखो ना। तो वो तो मुझे आज जानकारी से मिल जाए गाँव सिमे के आ रहा ढो के आ रहा सब जानकारी छ सब मिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी नमः स्वाहा सरस्वती बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। नमः चंद्रमा मन झुक कर के लक्ष्मी के दिन करने वाले थे, लेकिन सभी को पता है कि दिल्ली में जो है G20 के वजह से धारा 144 लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए और आज हम इसको कर रहे हैं। और आप लोग को मैं ये बताना चाहूंगी कि कल के दिन सबको पता है कितनी बारिश हुई है और सुबह भी बारिश और फोरकास्ट भी जो है वेदर रिपोर्ट में क्या बता रहा है कि बारिश ही होगी। हम लोग इतनी असमंजस की स्थिति में थे कि अभी हम लोग ये प्रोग्राम करें तो कहाँ करें कैसे करें, लेकिन एक चीज आज के दिन में मैंने देखा है कि जिस काम को होना होता है और आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो भगवान भी हमारे साथ देता है। इसलिए एक बार इंद्र देवता के लिए जोरदार तालियां कि कम से कम उन्होंने हमारे ऊपर इतनी कृपा तो बना कर रखी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भी आयोजक हैं 2 दिन से हम इतना परेशान, हमारे बच्चे 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 महीने से उनके पेरेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों का मनोबल टूटना, हम लोग इतना परेशान हो रहे थे और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ कि भगवान है और अगर आप लोग निस्वार्थ भावना से कोई काम करते हो तो वो भी आपका साथ देता है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम समना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
सी घड़िया जीवन की आई अपने ही प्राणों की कर दे विदाई अपने ही प्राणों की कर दे विदाई अब ये अयोध्या अब ये अयोध्या हमारी नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरो राम ओ जरा देर ठहरो राम तुम ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है हमने जी भर के देखा नहीं है दशरथ जी के राज दुलारे कभी ये अयोध्या को कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है समय हो रहा है घरों का उजाला भी कम हो रहा है घरों का उजाला भी कम हो रहा है अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है जरा देर ठहरो राम ओ जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।